Hello students, good morning and welcome to class 4th maths. Today we do exercise 3.8, question number 3rd. Here missing number हमें find out करने हैं subtraction के अंदर. किसके अंदर? Subtraction के अंदर. तो हम क्या करेंगे? First line हमें दे रखी है, second line हमारी miss है. तो जब second line miss होती है, हम directly first line में से answer को minus कर देंगे. तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा. तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बचा 4. 6 में से 2 माइनस करेंगे तो लेफ्ट क्या बचेगा? 4. 5 माइनस 3 2. 5 माइनस 2 3. तो सेकेंड लाइन जब हमें फाइंड आउट करनी है तो हम खाली डायरेक्टली क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे. जो ऊपर वाली लाइन है ना, सबट्रैहेंड, उसमें से हम जो हमारा सब्ट्रैक्शन था, डिफरेंस, वो हम माइनस कर देंगे. सेकंड टाइप का देखो क्या है कि फर्स्ट लाइन हमें ब्लैंक दे दी है. तो फर्स्ट लाइन जब ब्लैंक है तो हम क्या करेंगे? जो सेकंड लाइन है और जो आंसर है उन दोनों को ऐड कर देंगे. क्या कर देंगे? ऐड. तो 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5. तो इसमें हमने क्या किया? एडिशन किया है. इसमें हमने एडिशन किया है फर्स्ट लाइन को ढूंढने के लिए. फर्स्ट लाइन मिसिंग थी ना हमारी, तो फर्स्ट लाइन को हमें फाइंड आउट करना था, उसके लिए हमने एडिशन किया है. सेकंड लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबट्रैक्शन किया था. क्या किया था सेकंड लाइन को फाइंड आउट करने के लिए? सबट्रैक्शन. तो सबट्रैक्शन हमने किया सेकंड लाइन के लिए. ठीक है. So do this work in your notebook and learn it. Thank you.